दोस्तों कल चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के खिलाफ लाइव मैच में भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा के बीच थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने रविंद्र जडेजा के रन लेने पर बॉल खींच के उनके पीठ पर ही मार दिया। दरअसल जब भुवनेश्वर कुमार पारी के अंतिम ओवर्स में बॉलिंग कर रहे थे, तब रविंद्र जडेजा क्रीज पर उस वक्त बैटिंग कर रहे थे। तभी भुवनेश्वर कुमार ने रविंद्र जडेजा को एक बहुत ही बढ़िया यॉर्कर बॉल डाला और रविंद्र जडेजा ने उस यॉर्कर बॉल को भुवनेश्वर कुमार के हाथों में ही खेलकर रन लेने के लिए आधे विकेट पर आकर खड़े हो गए, जबकि बॉल एकदम सामने भुवनेश्वर कुमार के हाथों में ही थी। तभी भुवनेश्वर कुमार ने उनको रन आउट करने के लिए बॉल स्टंप पर मारी, लेकिन वो बॉल सीधे जाकर रविंद्र जडेजा के पीठ पर लग गई।